आरा के शहीद भवन कांग्रेस मैदान में कांग्रेस पार्टी के परिवर्तन संकल्प रैली में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हुए, जहां परिवर्तन संकल्प रैली में जाने के दौरान कोइलवर से ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आरा तक जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया, फूलमालाओं से उन्हें लाद दिया। आरा के धरारा में कांग्रेस नेता नवीन कुमार की अध्यक्षता में जोरदार स्वागत किया गया। सैकड़ों समर्थकों के साथ नवीन कुमार ने उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन संकल्प रैली 2024 के चुनाव के मद्देनजर है और भोजपुर जिले में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। जनसैलाब ही बता रहा है कि कांग्रेस प्यार बांटने वाली पार्टी है, नफरत बांटने वाली नहीं, और 2024 के चुनाव में इस बार देश की जनता बता देगी कि देश का अगला प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस से ही होगा। ढोल नगाड़े के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेता नवीन कुमार ने यह भी कहा कि भोजपुर जिला जिस तेवर के लिए जाना जाता है, वही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का भव्य स्वागत कर इतिहास रचा गया है। क्या लगता है आज परिवर्तन संकल्प जो रैली है, यहाँ से कोई परिवर्तन का संदेश जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो परिवर्तन संकल्प रैली है, निश्चित रूप से जो देश में प्यार बह रहा है राहुल गांधी जी का, जब से जो यात्रा किए हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होके रहेगा। बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है, महंगाई के खिलाफ आम जनमानस में आक्रोश है, और जो देश का हाल है सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके निश्चित रूप से इस बार 2024 में परिवर्तन होकर रहेगा। क्या लगता है कांग्रेस मैदान पर छोटा है, आज बढ़ जाएगा कांग्रेस? और ही नहीं जाएगा, उसके चार गुना आदमी आज बाहर रहेंगे, ये तो देखने की चीज है। अभी कुछ देर में सभा शुरू होने वाली है, तो इससे चार गुना ज्यादा दूर होने जाएगा। नया आह्वान जाएगा बाबू जगजीवन की धरती से, भूटन राय की धरती से, यहाँ पे अंगड़ाई लेगा। Yeah.